दशकों से लंबित गिरिपार जनजातीय क्षेत्र मामले पर अब जल्द अंतिम मोहर लग जाएगी और लोगों की सालों पुरानी मांग पूरी हो जाएगी। दरअसल जनजातीय मामले को लेकर विधेयक सदन के दोनों ही सदनों में पारित हुआ है और अब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने बाकी है, जिसके बाद ये विधेयक लागू हो जाएगा। मामले को सिरे चढ़ता देख सालों से संघर्ष कर रही केंद्रीय हाटी समिति केंद्र सरकार व पूर्व की जयराम सरकार का आभार जता रही है। केंद्रीय हाटी समिति का कहना है कि लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग को लेकर आंदोलन को आगे बढ़ाया और आज सफलता के वे बिल्कुल करीब है। वहीं केंद्रीय हाटी समिति उन सभी लोगों का आभार जता रही है जिन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद की है। बहुत खुशी का विषय है कि लगभग 55 साल के बाद 1967 में जनजातीय दर्जा मिला है जौनसार को, तो जौनसार भी सरमौर स्टेट का पार्ट था। आज 55 वर्ष लग गए और बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया हमारे लोगों ने और मैं समझता हूँ कि विश्व का एकमात्र ऐसा आंदोलन होगा जहाँ किसी भी प्रकार की हिंसा, किसी भी प्रकार की आगजनी, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटनाएं नहीं हुई और बहुत योगदान हमारे को बहुत लोगों ने दिया है। हम उनका केंद्रीय हाटी समिति की तरफ से बहुत धन्यवाद करते हैं और विशेष रूप से जो हिमाचल सरकार का जो जनजाति विभाग है उन्होंने बहुत शानदार प्रयास किए हैं। नोडल एजेंसी जो माननीय मुख्यमंत्री ने जयराम ठाकुर ने जो बनाई थी उनके बहुत सराहनीय प्रयास रहे। टाइम बाउंड रिपोर्ट यहाँ की तैयार की गई और भारत सरकार को भेजी गई। बहुत लोग हैं और विशेष रूप से जो मीडिया हमारा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया है और हमारे मुद्दे को जो है पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया है। और यहाँ तो हम विशेष रूप से मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि जो पहली कॉन्फ्रेंस गृह मंत्री के मिलने के बाद हमारी हुई थी दिल्ली में, माननीय मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय हाटी समिति को भी निमंत्रण दिया गया जिससे हमारी मुद्दा जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गया। तो हम मीडिया का भी बहुत धन्यवाद करते हैं और लोग हमारे साथ बहुत खड़े रहे। हमारे गिरिपार का जो हाटी समुदाय है उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। हमने जो भी लोगों को बोला लोग हर चीज़ हमारे साथ करने को तैयार थे, खासतौर पर जब हमारा खुमली का आयोजन किया गया रोहनार से जो हमने शुरू की थी, तो जितनी भी पार्टिसिपेशन हमारी बढ़ती गई 2,500 से हमारी पार्टिसिपेशन शुरू हुई और 30-30, 40-40 हज़ार तक जो लोग हैं सतौन में इकट्ठे हुए, तो इस बात को प्रदर्शित करता है कि हाटी समुदाय हमारे साथ है बहुत खड़ा था और हम केंद्र और राज्य सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो हाटी मुद्दा है ये सबसे बड़ी खुशी तो ये है हमारे अपने हाटी समुदाय के लोगों के लिए भी और जिन जिन लोगों ने इसमें हमें मदद की है, चाहे वो राजनीतिक प्रतिनिधि है या प्रशासनिक अधिकारी है या प्रेस बंधु है, तो उनके लिए भी एक हम बधाई देना चाहते हैं कि इस वक्त हमारा जो हाटी मुद्दा है ये संसद से दोनों सदनों से पारित होकर अब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए गया है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसमें राष्ट्रपति की भी स्वीकृति मिलेगी और एक अधिनियम के रूप में जब प्रदेश सरकार के पास आएगा तो यहाँ पे भी लागू होगा। ऑन रिकॉर्ड पिछले 2011 के जनगणना के अनुसार तो लगभग 1,60,000 है, लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो लगभग 2 लाख से भी ऊपर 2.25 लाख के लगभग इस वक्त हमारी कुल आबादी है जो हाटी के रूप में जनजाति की से लाभान्वित होगी।